Assalamualaikum, welcome back to the new vlog. तो आज हम अपने नए ट्रिप की तरफ चलते हैं. आज का टूर उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा. Let's start the trip. जी आ गए हैं हम दोबारा मेन रोड पे और हम ट्रेन में बैठने वाले हैं, क्योंकि हमारे जितने भी सफ़र होते हैं ना वो ज़्यादातर ट्रेन में होते हैं. जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो काफ़ी लग्जरियस होती है, तो ज़्यादातर लोग पैसे बचाने के लिए उसी में जाते हैं. आर ऑल्सो वन ऑफ देम. अब हम मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पर पहुँच गए हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने टूर की तरफ. तो अब हम बाहर निकलने लगे हैं, ट्रेन पर बैठ गए हैं और ये ट्रेन अब चलने वाली है. तो आप ये देखें, अब हम जा रहे हैं जे बी आर. तो जी ट्रेन में जाते जाते हम आपको भी दिखाते हैं बाहर की बिल्डिंग्स. ये ऐसा एरिया है कि इसको सारी तरफ से बिल्डिंग्स ने कवर किया हुआ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं. फाइनली अब हम आ गए हैं और अब हम आगे जाके देखने वाले हैं. गर्मी बहुत तेज़ है, तो लेट्स सी हाउ आवर प्लान विल बी. अब ये देख लें, अभी हम पहुंच रहे हैं और ये अभी हम रास्ते में, आप ये देख सकते हैं. जे बी आर में जैसे ही पहुंचते हैं तो हमें ये फेरी व्हील नज़र आता है. तो फाइनली हम आ गए हैं जे बी आर बीच पे. तो अभी हम देखते हैं, तो इसमें यह है कि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. इस टाइम ज़्यादा गोरे आते हैं क्योंकि उनकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर तो इस तरह से धूप नहीं होती. वो फिर यहाँ पे आके सन बाथिंग करते हैं और साथ नहाते हैं. ये पीछे जितने भी होटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं. यहाँ पे सिर्फ फॉरनर्स तो नहीं हम कह सकते, हम कह सकते हैं कि यूरोपियन लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं. वो यहाँ पर आके फिर इंजॉय करते हैं. और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी. अगर आप पानी की बोतल भी लेने जाते हैं तो वो 5 से 7 दरम की मिलती है. अदरवाइज़ मतलब सुपर स्टोर से लेने जाएँ तो वो हमें 2 रुपए का पूरा पैट मिल जाता है, जिसमें 6 पानी की बोतल्स होती हैं. और इसके अलावा यहाँ पे रेत, या आप देख लें, यहाँ पे चलने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पाँव रखना पड़ता है. फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू टेक बाथ. बीच पे शावर ले लिया है, तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टूर की तरफ. जब भी आप आएँ तो आप रफ़ चप्पल पहनें और साथ अम्ब्रेला लाजमी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. ये था हमारा जे बी आर का सफ़र. अब हम जा रहे हैं फॉर्म ऑफ अटलांटिस. चलते हैं और देखते हैं फॉर्म ऑफ अटलांटिस में क्या चीज़ है. तो बेसिकली फॉर्म ऑफ जुमेरा है, जो कि आईलैंड है, जो कि लोकल सबसे बड़ा आईलैंड है, जो कि मैन मेड है. तो चले देखते हैं. ये आपको पीछे से एक लड़की नज़र आ रही होगी, ये कहती मुझे भी अपने व्लॉग में ऐड करें. तो मैंने इसे कहा नहीं नहीं. यहाँ से अब हम अपने वापसी का सफ़र करते हैं जे बी आर से और पाम अटलांटिस की तरफ जा रहे हैं. कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरियस कार हैं, ये रेंट पे मिलती हैं. और यहाँ पे ये आप रेस्टोरेंट्स भी देख रहे हैं, कितनी प्यारी वॉल सजाई हुई है. तो यूँ अब हम अपने अगले सफ़र की तरफ जा रहे हैं. ये पाम जुमेरा का मैप बना हुआ है, तो यहाँ से भी हमने टिकट बाय की है. तो अभी बस ट्राम में हम बैठने लगे हैं. पाम जुमेरा की तरफ मोनो ट्रेल चलती है, जिससे इसका मज़ा और भी बढ़ जाता है. तो आप ये देख लें, वो पीछे फेरी व्हील भी नज़र आ रहा है. और ये जो है पाम, ये आप देख लें दोनों तरफ समंदर है और दरमियान में इन्होंने मोनो ट्रेल बनाई हुई है, जो कि बहुत प्यारा एक मंज़र पेश करता है. तो ये अंदर आप देख लें, इस तरह से बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर नीचे शॉप्स हैं, लेकिन शॉप्स डे में ओपन नहीं होती, चूँकि लोग यहाँ पे मॉर्निंग में धूप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर इवनिंग में लोग शॉपिंग के लिए आते हैं. इसके जो मनाजिर हैं वो बहुत हसीन व जमील हैं. तो आप जब भी दुबई आएँ तो आप पाम ऑफ जुमेरा ज़रूर आएँ. यहाँ पे ये है कि अगर आप टिकट बाय करते हैं तो टिकट आपको 30 दरहम की टिकट पड़ती है, जो कि राउंड टिकट होती है, जो गेटवे से पाम ऑफ अटलांटिस तक लेके जाती है. तो अटलांटिस होटल में हम जाएंगे और ये आप देख लें, इस बिल्डिंग के पीछे लोग यहाँ पे आते हैं. ये हम मोनो ट्रेल में बैठे हुए हैं और ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये अटलांटिस ब्रिज है. यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली हम ऊपर नहीं गए. जिनकी बुकिंग होती है इस होटल में वो भी जा सकते हैं. इसका जो मंजर है बहुत ही प्यारा लगता है. इसके दोनों तरफ पानी है और ये लोकल आइलैंड है और इतना मज़े का है. फिर हम जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाके आपको मॉल्स की शॉपिंग भी दिखाएंगे.
तो इसके रोड्स आप देख लें कि ये कैसे कितना प्यारा इन्होंने मैप बनाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार यहाँ पे माहौल है। तो अभी ये वो मनाजिर हैं जो मोबाइल ने कैप्चर किए हैं। हालांकि जो ब्यूटी आप जब भी आप कभी नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाएं तो जो ब्यूटी आपको नज़र आती है ना, वो मोबाइल में कभी कैप्चर नहीं हो सकती। ये वाटर पार्क है, यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये अभी हम मॉल के अंदर एंटर हो गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने सजावट की हुई है। और यूं हम मॉल के अंदर जा रहे हैं और आप ये देख लें कि यहाँ पे किस तरह की शॉप्स हैं। और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे हम दरमियान में हॉल में पहुँच गए हैं। अब ये हॉल से दूसरे हॉल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सी शॉप्स हैं। ये दो मॉल हैं जो कि डे में भी ओपन होते हैं। चूँकि हम डे में आए थे तो हमने सोचा कि हम मॉल भी विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के मॉल्स हैं और मॉल्स के बाद यहाँ पे भी एक्वेरियम है जो कि अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, आपको ये फिश नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे लोग आते हैं। अच्छा, इन्होंने ये है कि इन्होंने हर जगह पे जितनी भी पिकनिक पॉइंट्स है वहाँ पे इस तरह की कोई ना कोई चीज़ लाजमी बनाई हुई है। अच्छा, ये चेयर आप देख लें, ये जो है ना, यहाँ पे लोग आके पिक्चर्स लेते हैं, ये बहुत फेमस है। इसके बाद हम किड जोन में आ गए हैं और ये आप किड जोन में देख लें किस तरह से टॉयज़ हैं। हर जगह पर उन्होंने बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर जगह पर उनकी स्पेस ज़रूर रखी होती है। ये अभी हम बाउलिंग बॉल देख रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है बेसिकली, तो इसलिए मैं मॉल के अंदर ढूंढ के यहाँ पे लाजमी आता हूँ जब भी आऊँ कभी भी मॉल में। और ये एक वॉल है, यहाँ पे लोग पिक्चर लेते हैं। और ये इन्होंने डेकोरेशन ऐसी बनाई हुई है जैसे किसी का पेंट ख़राब हुआ हो, ये भी देख लें आप। और यहाँ से अब हम अपने वापसी का सफ़र कर रहे हैं। ये और ये हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर मोनोरेल आके एंड हो जाती है। तो अभी हम ट्राम में बैठेंगे, ट्राम में बैठेंगे तो दोबारा आपको मनाजिर दिखाएंगे जो कि ट्राम से हमने इंजॉय किए। ये बेसिकली वाटर पार्क है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे फैमिलीज, बच्चे आते हैं, यहाँ पे आके खेलते हैं। और ये बहुत मज़े का बना हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स हैं। अभी ये ट्राम चल गई है तो ट्राम चलते चलते हम आपको वाटर पार्क के भी चीज़ें दिखाते हैं। बहुत दूर नज़र आ रहा होगा, वो है बुर्ज अल अरब और ये आपको समंदर नज़र आ रहा है। सूरज की तपिश भी देख लें कि वो कम हो रही है। अब हम आ गए हैं अलखील मॉल में। ये पाम जुमेरा में दूसरा एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे लोग आके शॉपिंग करते हैं। चूँकि आज यहाँ पे रश नहीं है क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, मैंने आपको बताया है कि लोग यहाँ पे रात को शॉपिंग मॉल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ये शॉप्स देख लें, अभी हम लेवल 3 पे हैं, फिर इसके बाद लेवल 2 है और उसके बाद लेवल 1 है। अभी हम ये सारी चीज़ें विज़िट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखा लॉबस्टर्स लोगों ने बहुत रखे होते हैं एज ए शो पीस। और यहाँ पे वाटर के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा डिकोर किया होता है अपने एरियाज़ को, क्योंकि यहाँ पे समंदर है तो इन्होंने अपनी ये एक सिग्नेचर बनाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया है, आप ये देख लें कि बहुत ही यूनिक टाइप के यहाँ पर ना झूले होते हैं और बहुत डिफरेंट गेम्स होती हैं, बच्चे आके यहाँ पर खेलते हैं और इन्जॉय करने के बाद वो फिर मूव करते हैं अपने खानों की तरफ। तो अभी हम लेवल 2 पर हैं और नीचे काफ़ी ज़्यादा कैफे हैं। तो जी, आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो उम्मीद करते हैं आपने इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टूर के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।